ओम शांति। आज है 27 अगस्त 2022। बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी, तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। प्रश्न है, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप का फरमान है, पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए। कम से कम 7 रोज दो तो तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। यह जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। यह जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरंपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो। परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं, ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। तुम समझते हो यह बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता है, मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, अब रोशनी मिली है तब तुम जागे हो। अब रोशनी मिली है तब तुम जागे हो, यह भी कहेंगे हम तुम सब सोए पड़े थे, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। वह तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वह अपने से ऐसी ऐसी बातें कर ना सके, अपने से तुमको बातें करनी है। हम आत्माएं बाप से मिली हैं, बाप ने कितना जागृत किया है, यह बेहद की लीला है। उसमें मुख्य एक्टर्स डायरेक्टर क्रिएटर कौन है वह जानते हैं, इसलिए तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर हैं। शास्त्रों में लिख दिया है, कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। यहाँ फिर है बेहद की बात, मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ चलता है। विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट, यह पद पाना है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माएं नमः। उनको निराकार ही कहते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं तो बाप हुआ ना। सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता, तो सर्वव्यापी कह देते हैं। इसलिए मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आता, जैसे तुम भी नहीं समझते थे। बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, यह किसको पता नहीं है। तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो, आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो ज़रूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे और बुद्धि में रहेगा, हमने यह देखा है। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो ज़रूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे और बुद्धि में रहेगा, हमने यह देखा है। फिर भी चाहना हो देखने की तो देख सकते हैं। वह तो हुआ हद का नाटक, तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो। सत्युग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर यह नाटक भूल जाएगा। सत्युग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर यह नाटक भूल जाएगा। फिर समय पर यह ज्ञान मिलेगा, तो यह भी समझने की बातें हैं। कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं रहती। 7 रोज भट्टी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है, सुनने से ही घबरा जाते हैं। समझाया जाता है यह क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो, 5 विकारों रूपी भूत लगे हुए हैं, अब उनसे तुम पीड़ित हो। तुमको युक्ति बतलाएंगे कि कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो। बाप को याद करना है जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए
खत्म हो जाएगी। बाप का फरमान है कि 7 रोज भट्टी में बैठना है, गीता भागवत का पाठ रखते हैं तो भी 7 रोज बिठाते हैं। यह भट्टी है, सब तो नहीं बैठ सकते। यह क्या है? भट्टी है, सब नहीं बैठ सकते। कोई कहाँ है, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। यह सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए हैं। रुद्र कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। सो तुम जानते हो राजस्व अश्वमेध अर्थात यह रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। बाकी जाकर आत्माएं रहती हैं, सबके शरीर स्वाहा होने हैं। सबके क्या स्वाहा होंगे? शरीर को बाबा ने रथ भी कहा है, पुरानी जुत्ती भी कहा है, इसको बाबा घर भी कहते हैं। राजस्व अश्वमेध अर्थात यह रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। बाकी जाकर आत्माएं रहती हैं, सबके शरीर स्वाहा होने हैं। होलिका होती है ना, विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है, परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो। जाना तो सभी को है, रावण का बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारा है सिर्फ दैवी परिवार छोटा। आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है, वह कोई देवता बनने वाले नहीं है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने समझाया है, पहले हमेशा स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं, वह तो है मुख वंशावली। यह सारी रचना है मुख वंशावली। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो, तुमको सिर्फ बाप को ही याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। ब्राह्मणों को किसके पास जाना है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जिन्हें बाप भी कहा जाता है। तुम जानते हो वापस घर जाकर फिर सत्युग में आकर पाठ बजाना है सुख का। बहुत लोग समझते भी हैं फिर भी 7 रोज देते नहीं हैं, तो समझा जाता है यह अपने घराने का अनन्य नहीं है। अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कई 5, 8, 15 दिन भी रह जाते हैं। कई क्या करते हैं, 5, 8, 15 दिन भी रह जाते हैं, फिर संग न मिलने के कारण गुम हो जाते हैं। विनाश नज़दीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है, राजधानी स्थापन होनी ही है। नंबरवार जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम याद करेंगे कर्मातीत बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पहले पहले सृष्टि सतोप्रधान थी, अब तो तमोप्रधान है। भारत को ही प्राचीन कहते हैं। तुम जानते हो हम सो देवता थे फिर 84 जन्म पास किए। अब फिर बाप के पास आए हैं वर्षा लेने। हम क्या थे? देवता थे। 84 जन्म लिए हैं, एक के बाद एक जन्म हमने पास किए, अब फिर बाप के पास आए हैं वर्षा लेने। बाप आए हैं पावन बनाने, पतित बनाता है रावण। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंड पाठधारी हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी चक्र लगाकर अब सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं। देवता धर्म भी बड़ा है, यह तो बुद्धि में है ना। हम बेहद बाप के बच्चे हैं और हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। यह वर्ण भारत के लिए ही गाए गए हैं, अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं, उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है, वह दिखाते नहीं हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। तुम कितने जन्म लेते हो? दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं? एक जैसे जन्म तो हो नहीं सकते, है ना, एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते। पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे, पहले पहले आने वालों के ही 84 जन्म कहेंगे। सब थोड़े ही सूर्यवंशी में आएंगे, यह भी हिसाब है, इनको डिटेल कहा जाता है।
बहुत बच्चे भूल जाते हैं, स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड भी होते हैं ना, स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड तो रहती है ना। पहली पहली नज़र टीचर की फर्स्ट ग्रेड वालों की तरफ ही जाएगी, तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है, बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकते। मुख्य धर्मों का समझाया जाता है, सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको अब वापिस लौटना है। क्या कहा बाबा ने कि पहली पहली नज़र टीचर की फर्स्ट ग्रेड वालों की तरफ ही जाएगी, तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है, बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकते। मुख्य धर्मों का समझाया जाता है, सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको अब वापस लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब ही गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। अपना टेम्परेचर देखना होता है, जितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। क्या देखना है? अपना टेम्परेचर देखना है, तो नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो। अब बाप समझा रहे हैं, फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यह है माया से युद्ध, माया के वश बहुत हो जाते हैं। बाप कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती हैं, बहुत सारी अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती हैं। प्रतिज्ञा की हुई है कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, प्रदर्शनी आदि में कितना विघ्न डालते हैं, बड़े फकुर से आते हैं, इसलिए संभाल भी बहुत करनी है। मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब रहती है, पंचायती राज्य है ना, फिर सत्युग में होते हैं 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट, डीटी गवर्नमेंट। सत्युग में क्या क्या होता है? 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट और डीटी गवर्नमेंट। तो तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है, चित्र भी बहुत बनते रहते हैं, इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सके। यह बहुत समझने और समझाने की बातें हैं, जिससे मनुष्य समझें कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी बने हैं, फिर पावन बनना है। ड्रामा का राज भी समझाना है, यह चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है, हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े हैं। रात दिन का फर्क है, यह भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था, अब क्या है? अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ कर, महाराजी महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। खूब पुरुषार्थ कर, महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है, बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना ऊंच थे, फिर कितना नीचे गिरे हैं। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। गणिकाओं अहिल्याओं को भी उठाना है, गणिकाओं अहिल्याओं को भी उठाना है। उन्हों को जब तुम उठाओ तभी तुम्हारा नाम बाला होगा। अब तक किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, दिल्ली से आवाज़ निकलना चाहिए, वहाँ झट नाम होगा, परंतु अर्जुन देरी दिखाई देती है। तो बाबा ने क्या कहा कि दिल्ली से आवाज़ निकलना चाहिए, वहाँ झट नाम होगा, परंतु अर्जुन देरी दिखाई देती है। अबलाओं गणिकाओं को बाप कितना ऊंच आकर उठाते हैं, तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगे तब नाम वाला होगा। बाबा कहते हैं ना, अभी तक आत्मा अर्जुन रजो तक आई है, अभी सतो तक आना है। बाबा तो कहते हैं कुछ करके दिखाओ, तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई ना कोई ग्रहचारी बैठ जाती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुल बकावली का खेल है ना, बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं, संशय की कोई बात नहीं। कई प्रश्न पूछते हैं, यह कैसे हो सकता है? अरे तुम साक्षी होकर देखो, ड्रामा में जो नूंद है सो पाठ चलना है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं,
जिनको समझ में आता है वह नहीं गिरते हैं। तुम क्यों गिरते हो? ड्रामा में जो नूंद है वही होता है ना। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है, यह क्या है? इतनी आत्माएं निकल कर आती हैं क्या? यह सब ड्रामा का खेल समझने का है, इसमें संशय की बात नहीं हो सकती। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना ही खाना खराब करते हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाप को पहचाना फिर बाप में संशय आ जाता है, बाप को पहचाना फिर बाप में संशय आ जाता है क्या? बच्चे जानते हैं हम पतित पावन बाप के पास आते हैं पावन बनकर, हम क्या करते हैं? बच्चे जानते हैं हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं पावन बनकर, तो गाया हुआ है पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे, बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वह अमर नहीं होंगे। तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। बाप कितना उच्च वर्षा देते हैं, पवित्र ऐसा बनते हैं जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कितना उच्च वर्षा देते हैं, पवित्र ऐसा बनते हैं जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, अमरपुरी के लायक नहीं बनते हैं, अमरपुरी के लायक नहीं बनते हैं, अमरपुरी का लायक बाबा बनाते हैं। ये अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे हैं। बच्चे आए हैं बेहद बाबा के पास, वर्षा तो लेना ही है, यहाँ सागर के पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ सागर के पास आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आप समान बनाना है। सागर के पास क्यों आते हैं? सागर के पास क्यों आते हैं? आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आप समान बनाना है। तो बच्चों को यही तात लगी रहनी चाहिए। और क्या कह सकते हैं बाबा, तो बच्चों का भी यही धंधा हुआ। बाबा ने कहा ना कि मेरा भी यही धंधा है और तुम बच्चों का भी यही धंधा हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ड्रामा को साक्षी हो देखना है, कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है, सच्चे दिल से बाप को याद करना है, अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। स्थिति का क्या देखना है? टेम्परेचर वरदान है। संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। इसमें बाबा विस्तार में बोले, जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, और जिसके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते भी कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या, हद के इच्छा मात्रम अविद्या, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। ओम शांति।